कि ये सिंगल टाई डबल ब्लॉक है क्या, ये देखिए ये दो ब्लॉक हो गया था और ये जो मेरा क्रैंक है सर ये स्पेशल राजकोट से डिजाइन किया हुआ क्रैंक रहता है। अच्छा, ये नॉर्मल हर जो लोकल होते हैं वो नहीं होगा, इसमें आप लाइफ टाइम का गारंटी देते, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। मेरा स्टैंडर्ड साइज का पुली भी रहेगा, ये पुली नॉर्मल पुलिस नहीं है। अच्छा। ये नॉर्मल पुलिस से 1000 रुपए महंगा पुली लगाते हैं क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी बात, जो सिंगल टाई का मशीन खरीदते हैं उनको हमेशा शिकायत रहता है कि ये बेल्ट पलट जाता है। अच्छा। मेरा मशीन में 100% गारंटी है कि कभी भी बेल्ट नहीं पलटी मारेगा। अच्छा, अच्छा। ये साथ 1 HP का मोटर देंगे, ये घंटे का 1200 पीस का प्रोडक्शन देगा। अच्छा। आप मेरे पास आइए, पहले लाइव डेमो कीजिए। अच्छा। चलाइए, उसके बाद फिर मशीन लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि बफर बन जाता है, तो जो बफर बनता है वो बफर बनाने के लिए कोई भी चीज के लिए ये नॉर्मल पत्ती का डाई होता है, ठीक है, पहले बात समझिए। और बफर बनाने के लिए बस यही चीज करना पड़ेगा, इसको चेंज करके ये डायमंड का पत्ती लगाया, आपको हीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। चीज अवेलेबल है। क्रैंक से देखिए, ये सब क्रैंक है, देखिएगा यहाँ पे ये क्लच गिनी का रोलर खराब हो गया है पीछे का, ठीक है, वो भी मेरे यहाँ मिलेगा। ब्लोअर इनका कोई प्रॉब्लम है, ब्लोअर नहीं है, ब्लोअर भी ले जा सकते हैं। कोई भी पार्ट पुर्जा उनको मेरे यहाँ हाथों हाथ आइए और लेके जाए, जो मशीन पहले से भी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ दोस्तों मैं नंदलाल गुप्ता, दोस्तों इस विषय में एक नए बिजनेस की तलाश में आगे गोरखपुर से चल के बिहार की राजधानी पटना में, और मैं आपके यहाँ पे विजिट कराने वाला हूँ मशीन बाजार। जैसा इनका मशीन बाजार फैक्ट्री का नाम है, ठीक उसी तरीके से इनके पास मशीनों का बाजार ही आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको विजिट कर दिखाने वाला हूँ पेपर प्लेट मशीन। ऑलरेडी पेपर प्लेट बिजनेस एक ऐसा है कि जैसा आपको पता होगा कि शादी विवाह का सीजन चलने वाला है, आजकल चल भी रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है बिना पेपर प्लेट के तो आजकल कोई काम होने वाला ही नहीं है। और वीडियो बहुत लोग बांधता है लेकिन मैन्युफैक्चरर बहुत कम ही आपको देखने को मिलता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जा रही है, बाकायदा के भाई साहब देखिए छोटे छोटे पार्ट से कुछ असेंबल कर रहे होंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी से बातचीत करते हैं यहाँ के ऑनर से, तो यहाँ के बारे में बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है, अगर आप लेके जाते हैं तो क्या क्या मतलब बारीकियां देखनी, सारी जानकारी आगे चल के आपको क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ का, नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? अपने फॉर्म के बारे में और किन किन मशीनों में आप डील करते हैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताइए सर। मेरा मशीन बाजार में आपको लघु उद्योग से रिलेटेड छोटे छोटे मशीन बहुत सारे मिलती है, बड़ी मशीन भी मिलती है। अच्छा, पेपर प्लेट, पेपर कप, आटा चक्की, नेल मशीन बहुत सारा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता लिख के दे दीजिएगा। आज मैं आपको पेपर प्लेट सिंगल डाई डबल ब्लॉक मशीन के बारे में बताऊंगा। पेपर प्लेट सिंगल डाई डबल ब्लॉक मशीन ऐसा मशीन है जिसमें आप इससे 4 इंची से लेकर 14 इंची तक कुछ भी दोना, प्लेट, थाली, हर एक चीज निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। प्लस इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आप बफर जो आजकल शादी हाँ, में चल रहा है सबसे ट्रेंड इसके तो शादी में कुछ होता ही नहीं, तो ये बफर भी इसी मशीन से सामने लाइव डेमो करके दिखाएंगे और लेके जाएगा मेरे यहाँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए हाइड्रोलिक मशीन लगाना पड़ेगा, एक ही मशीन से आपको दोना भी निकलेगा, प्लेट भी निकलेगा और बफर का जो भी आइटम निकालना चाहेगा वो भी निकलेगा। बस बफर जब बनाना रहेगा तो आपको इसमें एक स्टोन हीटर क्या यूज किया जाएगा। अच्छा, जिसे स्टोन हीटर से बनाया जाएगा। अच्छा, अच्छा। मेरा मशीन जो है आपको पूरी फुल्ली चैनल मशीन रहेगा, फुल्ली चैनल में रहेगा। अच्छा। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सबसे पहले हम लोग 16 इंची का रोलर देते हैं। अच्छा। 16 इंची का रोलर देने से, कैमरा का पास ले, 16 इंची का रोलर देने से क्या होता है सर, ये रोलर कि आप 14 इंची 15 इंची तक प्लेट आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अच्छा। कितने लोग क्या होते हैं कि रोलर का साइज 14 इंची 12 इंची कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उन बोलते हैं कि 13 इंची का प्लेट निकलता है, लेकिन होता नहीं है। अच्छा। प्लस इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें कोई भी डायमंड का भी डाई चला सकते हैं जो कि जिसके साइड में डिजाइन डिजाइन होता है, और नॉर्मल डाई भी चला सकते हैं। और मशीन के मैं आपको बगल वाले शॉप में ले चलता हूँ, लेकर वहां पे बताऊंगा आखिर क्या डबल ब्लॉक क्या होता है और सिंगल डाई क्या होता है। सबसे अच्छी बात देख रहे हो जो मशीन बाकी लोगों की मशीन देखते हैं, ये सबसे बात देख रहे हो जो मशीन बाकी लोगों की मशीन देखते हैं, ये सब थोड़ा सा पतला रहा, लेकिन आपको ये मजबूती जो है देखने को मिलेगी। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी, आप देखिए आपके आगे हूँ गोडाउन में। अब देखिए ये सिंगल डाई डबल ब्लॉक है क्या, ये देखिए ये दो ब्लॉक हो गया था और जो मेरा क्रैंक है सर ये स्पेशल राजकोट से डिजाइन किया हुआ क्रैंक रहता है। अच्छा, ये नॉर्मल हर जो लोकल होते हैं वो नहीं होगा, इसमें आप लाइफ टाइम का गारंटी देते, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। आप इसमें वायर ग्रेसिंग हमेशा करते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्लेट का साइज होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये 15 इंच का प्लेट का साइज देते हैं। अच्छा। दूसरी बात, सभी के मशीन में यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है चार, मेरे मशीन में आपको स्प्रिंग नहीं रहेगा। अच्छा। स्प्रिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कोई एक स्प्रिंग थोड़ा सा ढीला हो गया तो क्या होता है डाई कटना बंद कर देता है। अच्छा, अच्छा। इससे बहुत बार उनको क्या होता है स्प्रिंग का पैसा खर्च करना पड़ता है और आपको चारों स्प्रिंग बदलना पड़ता है। अच्छा, जिससे क्या होता है कस्टमर का जो मेंटेनेंस खर्च है वो बढ़ता है। मेरे मशीन में आपको मेंटेनेंस खर्च जीरो हो गया। जो मेरा स्टैंडर्ड साइज का पुली भी रहेगा, ये पुली नॉर्मल पुली नहीं है। अच्छा। ये नॉर्मल पुलिस से 1000 रुपए महंगा पुली लगाते हैं क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
दूसरी बात, जो सिंगल टाई का मशीन खरीदते हैं उनको हमेशा शिकायत रहता है कि ये बेल्ट पलट जाता है। अच्छा। मेरा मशीन में 100% गारंटी है कि कभी भी बेल्ट नहीं पलटी मारेगा। अच्छा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऐसा ठोक के देते हैं और यहाँ पे नट बोल्ट के साथ इसको कर देते हैं जिससे कि ऊपर नीचे कम बेसी करने का काम होता है। इसके साथ 1 HP का मोटर देंगे, ये घंटे का 1200 पीस का प्रोडक्शन देगा। अच्छा। आप मेरे पास आइए, पहले लाइव डेमो कीजिए। अच्छा। चलाइए, उसके बाद फिर मशीन लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि बफर बन जाता है, तो जो बफर बनता है वो बफर बनाने के लिए कोई भी चीज के लिए ये नॉर्मल पत्ती का डाई होता है, ठीक है। अच्छा। पहले बात समझिए, और बफर बनाने के लिए बस यही चीज करना पड़ेगा, इसको चेंज करके ये डायमंड का पत्ती लगा आपको हीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। ये इसको बोलते हैं स्टोन हीटर। अच्छा। ठीक है, डायमंड स्टोन हीटर लगाने से क्या होता है कि जो डाई का हीटिंग पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक। अच्छा। है, इससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट निकलती है। और ये मेरा मशीन में आपको 1 HP देखिए मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। जो भी मोटर देते हैं ब्रांडेड मोटर देते हैं। अच्छा। लोकल मोटर हम लोग देते ही नहीं है कि कस्टमर परेशान ना हो। अच्छा। नॉर्मल मोटर से क्या होगा, मोटर जल जाता है, परेशान होता है, उसका काम रुक जाता है। बट मेरा काम ऐसा नहीं है, आपको हम नॉर्मल नहीं स्टैंडर्ड मोटर जो आप बोलेगा उस कंपनी का मोटर हम लगा के देते हैं। इससे क्या होगा कि मशीन का मेंटेनेंस और लॉन्ग टाइम चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, जो मोटर लगा सकते हैं, बोला ब्रांडेड मोटर, तो ब्रांडेड ये किस कंपनी का रहता है? आपके हिसाब से क्रम्पटन, हैवल्स, गोदरेज, जो बोलिए। हाँ। आप इच्छा बोलिए कि आपको ये मोटर चाहिए तो वो मोटर लगाएं, आपको बोलिए इच्छा ये मोटर लेते ये मोटर लगाइए। नॉर्मल मोटर तो हम लगाते ही नहीं सर, लगाते नहीं, नहीं। मतलब प्लस इंस्टॉलेशन आपको फ्री है, 1 साल का सर्विस गारंटी फ्री है आपको। अच्छा। जो बात बोल रहे हैं वो स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लगा के बजा के कुछ नहीं। मेरे यहाँ आपको कोई भी डाई, किन्हीं को डाई खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। हाँ। उसके लिए भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, हाथों हाथ सेम डाई में नॉमिनल प्राइस में आपको डाई मिलेगा मेरे। अच्छा, बाकी सर बात करते हैं, मान लीजिए कुछ हमारे भाई ऐसे जो पेपर प्लेट का पहले से बिजनेस कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ पार्ट टूटा फूटा हो तो सारे पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। पार्ट्स आप आगे अंदर देखिए सर, कुछ भी चीज का उनको पार्ट्स की जरूरत होगा। हाँ। तो A to Z पार्ट्स मेरे यहाँ हर चीज अवेलेबल है। क्रैंक से देखिए, ये सब क्रैंक है, देखिएगा यहाँ पे ये क्रैंक देखिए कितना स्टैंडर्ड। पहले इसका वजन देखिए सर, अब कितना हैवी है, आप एक बार उठा के देखिए, आप खुद समझ में आएगा। ये क्रैंक देखिए सर कितना है, देख सकते हैं प्राइस का वेट, वजन कम से 15-20 किलो होगा आराम से, उससे ऊपर है 22-23 किलो का, 22-23 किलो ना। हाँ, ये क्रैंक किन्हीं का रोलर खराब हो गया है पीछे का, ठीक है, वो भी मेरे यहाँ मिलेगा। ब्लोअर इनका कोई प्रॉब्लम है, ब्लोअर नहीं है, ब्लोअर भी ले जा सकते हैं। कोई भी पार्ट्स पुट जाए उनको मेरे यहाँ हाथों हाथ आइए और लेके जाए, जो मशीन पहले से भी चला रहे। मेरा पीछे का गोडाउन है, वहाँ का भी आप वीडियो दिखा दीजिएगा, वहाँ पे डाई 2 रूम में भरा हुआ है। टोटल कितने गोदाम है सर? सर 6 गोदाम है, 6 गोदाम समझ सकते हैं, ऐसे नहीं कोई 6 गोदाम बना लेगा। कुछ इधर भी रखा हुआ है, पूरा स्पेशल देख सकते हैं आप उधर, ठीक है। और आपको मेरे आप मेरे पास आने के लिए आपको रामकृष्णा नगर SBI बैंक के पीछे पटना आना पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर है, यदि आप उस पे कॉल करके कुछ और अदर जानकारी भी लेना चाहते हैं वो भी जानकारी ले सकते हैं। कच्चा माल का टेंशन नहीं है, मेरे पास ही रॉ मटेरियल का पूरा मिल है। हाथों हाथ आइए और माल लोड कराइए और लेके जाइए। अब सर कुछ पॉइंट मेरी तरफ से है कि सर बात करते, जैसे मेरा भाई कर लीजिए, इस बिजनेस को कौन कौन स्टार्ट कर सकता है? कोई भी लोग जिनके पास यदि मिनिमम पैसा होना चाहिए कितना, कम से कम 70-80 हजार रुपए। अच्छा। उनके पास होना चाहिए रनिंग करने के लिए। और मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ या कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि सर आप ये बिजनेस करने से पहले एक बार सर्वे जरूर करें, समझे चीजों को, मेहनत करने से पीछे हटिएगा तो मशीन ये फेल हो जाएगा। अच्छा। बहुत आदमी बोलते हैं पेपर प्लेट वाला बिजनेस से पैसे नहीं कमा रहे कर रहे हैं, मेरे वीडियो देखिएगा, एक एक आदमी 35-35, 40-40 मशीन लगा के मेरे यहाँ से ले जाके चला रहा है। अच्छा। क्यों चला रहे, एक मशीन से नहीं 35 मशीन लगाए हुए, तो उनका जब वो मेहनत करके आगे बढ़े तभी ना चला रहे। आप कोई सोचेंगे कि हम मशीन लगाकर घर में सोए रहे, कोई आए मेरा माल लेके चला जाए, तो ये होने वाला नहीं है। अब जमाना बदल गया है, फास्ट जमाना हो गया, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने के बाद 6 महीना मेहनत करने के बाद फिर आपके मोबाइल पे हर दिन फोन बजेगा कि भैया माल भेज दीजिए इतना इंची का, भैया माल भेज दीजिए इतना इंची का। ये 100% लिखित है और एक मशीन से किन्हीं का काम नहीं होगा। जो भी नए बिजनेस करना चाहते हैं सर, उनको मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आप सिंगल डाई डबल ब्लॉक से काम स्टार्ट कीजिए। डबल डाई के चक्कर में माप नहीं पड़े, परेशानी बहुत है। डबल डाई ब्लॉक में एक साथ जब दोनों डाई गिरता है, एक तरफ भारी एक तरफ छोटा होता है, जिसके कारण उनको परेशानी आता ही आता है। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं कि आप सिंगल डाई से मशीन करें, खरीदें,
कहीं से खरीदे, हम नहीं बोल रहे कि आप हमसे खरीदिए, आप कहीं से खरीदे, सिंगल डाई चैनल में लगा वो चैनल वाला मशीन लीजिए, कोई एंगल पाइप वाला मशीन ना ले, हैवी वेटेड मशीन ले, थोड़ा सा रोलर पीछे देख लीजिए और चैनल वगैरह सब चीज अच्छा से देख के उसके बाद मशीन कर दे, लोकल मोटर ना लगाए, घर की लाइट चल जाता सर, एकदम घर का लाइट सिंगल फेज आप लगाइए, स्विच दबाइए और मशीन चालू, इजिली ऑपरेटेड है, ये दोनों हीटर का ऑपरेटेड है, ये मोटर का है, ये आपका नॉर्मल, मेरा इंस्टॉलेशन के लिए आदमी जाता है जाता है। तो दोस्तों देख सकते सारी चीज भैया ने बता दिया कि घर की महिलाएं भी इंस्टा चला सकती हैं, और ये जितना संभव हो सका हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश किया, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिनका एड्रेस अकाउंट नंबर रहेगा आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप बैटलिन से कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, हो सकता है सैंपल भेज देंगे फोटो वोटो, सैंपल क्या मशीन जैसे कोई कॉल करता फोटो आराम से सब चीज चला जाता है, रेट वगैरह सब चीज चला जाएगा आपको, अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।